कहाँ जा रही हो आज पंजिमा घूमने? घूमने जा रहे हैं, तिलहर ले जाओगे तभी तो जाएंगे। ले जाएंगे? अब मेरा तो वीडियो नहीं बनाना, अभी मुझे वीडियो बनाना है। जब देखो वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो बनाते रहते हैं? ले आज तुम्हारा ही वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो ही बनता रहता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हें ले चलेंगे घुमाने। लेकिन तुम यहाँ जंगल में कैसे आ गई? जंगल में भी घूमने आ गए आज। दोस्तों देख लो, ये आई हैं भैया जंगल घूमने, पहचानो कहाँ का जंगल है ये। अब इनसे कह रहे हैं कि मेरे प्रश्नों का या तो दे दो जवाब और नहीं तो छोड़ देंगे इसी जंगल में। अब दोस्तों तुम ही बताओ क्या करें। तो दो प्रश्न पूछेंगे, जवाब दे देंगे, अगर एक भी प्रश्न का तो ले जाएंगे नहीं जंगल में छोड़ जाएंगे, समझ लो बात के लिए। तैयार हो? तैयार। अब इन्हें लग गई है प्यास, देखो पानी भी मंगा लिए। देखो भैया जी, देखो दो बच्चे मिल गए, इनसे पानी भी मंगाए हैं और इनकी ले ली हैं वो कच्चा वाला आम भी इनसे ले लिए हैं। दिखाओ कच्चा आम कहाँ है भैया? ये देखो बबुआ का कच्चा आम ले ली हैं। ये देखो भैया बल, ये देखो ये कच्चा आम लेके रख लिए हैं बैग में, अपना बैग लाई भी नहीं है, यहाँ बैग रख दिए। ये देखो, ये देखो, नाम बताओ बबुआ। राजू। तुम्हारा क्या नाम है? अमरपाल। ये तुम बोतल इन्हें भर के क्यों लाए, तुम इन्हें जानते हो? क्या मामला भैया, तुमने बोतल लाके दे दिए यार, तुम्हारी जान पहचान है क्या इनसे? तो चलो भैया दो दबाव दो भैया, जल्दी जल्दी तुम हमारे दो प्रश्नों का तब ले चलेंगे, नहीं हम तो भैया सो जाएंगे। बड़ी मस्त हवा चल रही है, यहीं डाल के आराम से गमछा और लेट जाएंगे। सही, तैयार हो? दोस्तों जा रहे थे हम लोग घूमने और रास्ते में एक जंगल पड़ गया है, हम लोग जंगल में मंगल करने लगे हैं, बैठे हैं यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ बच्चे तोड़ रहे थे आम और बच्चों से आम खाए हैं लेकर के, और उसके बाद बैठे हैं। भैया पहचानो कहाँ का जंगल है, जो पास पड़ोस के लोग होंगे पहचान लेंगे। और जैसे मेरी आदत है ना प्रश्न पूछने की, वो छूटती नहीं है, तो हम प्रश्न पूछ बैठे हैं इनसे इस जंगल में। अब देखो जो प्रश्न बता पाती हैं कि नहीं। ये बताओ, एक गाय है, उस गाय के गले में 5 फीट रस्सी बंधी है, 5 फीट, और चारा रखा है 15 फीट दूर। चारा रखा है 15 फीट दूर, तो अब गाय चारा कैसे खाएगी? रस्सी तोड़ देगी। हमने पूछा है कि एक गाय है, उसके 5 फीट रस्सी उसके गले में बंधी हुई है और 15 फीट दूर रखा है चारा, तो वो चारा कैसे खाएगी? अपना रस्सी खोल लेगी, तोड़ देगी, फिर वहां पहुंच के खा लेगी। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो जरूर बताइएगा, और मैं इस प्रश्न का उत्तर बता करके जाऊंगा। आप ये बताओ, एक गाय है, मान लीजिए मैं ही गाय हूँ, और मेरे गले में 5 फुट की रस्सी बंधी हुई है और चारा 15 फुट दूर रखा हुआ है, तो चारा हम कैसे खाएंगे? नहीं पता, कह दो नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता, तो चारा जो गाय खाएगी वो मुंह से खाएगी। मुंह से तो खाएगी, पहुंचेगी कैसे? मैंने चारा किससे खाएगी, कैसे खाएगी? अरे भाई तो पहुंचेगी कैसे, फिर खाएगी कैसे? अरे चारा कैसे खाएगी, चारा मुंह से खाएगी ना। अरे 5 फीट गले में रस्सी बंधी है, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो रस्सी खूंटे में बंधी है, 5 फीट। भाई 5 फीट गले में रस्सी बंधी है, 15 फीट दूर रखा है चारा, तो मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि वो रस्सी खूंटे में बंधी हुई है, तो वो चारा कैसे खाएगी? मुंह से खाएगी। अच्छा चलो एक एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। दोस्तों जंगल में मंगल बना रहे हैं हम लोग, अभी पूछ रहे हैं मोहतरमा से एक प्रश्न, अब बताएंगे कि नहीं बताएंगे जवाब, आप भी आनंद लीजिएगा और आप जरूर बताइएगा। रात के 2 बज गए हैं, आपके पिताजी को लगी है भूख, वो आए और रात के 2 बजे आपका दरवाजा खटखटाया कि मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दे दो, तो आपके फ्रिज में दूध रखा है और ब्रेड रखी है, या पनीर या ब्रेड रखा हुआ है, तो आप सबसे पहले किसे खोलोगे? फ्रिज खोलेंगे। दरवाजा खटखटा रहे हैं, फिर से सुन लो प्रश्न हमारा,
आपके पिताजी को रात के 2 बजे लग गई है भूख और वो आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। पहले गेट खोलेंगे। हाँ। गेट खोलेंगे, फिर बिठाएंगे, फिर फ्रिज खोलेंगे, फिर दूध और ब्रेड देंगे खाने को। फिर से सुन ले प्रश्न हमारा, आपके पिताजी को लग गई है भूख रात के 2 बजे, वो दरवाजा खटखटा रहा है, भूख लगी है मुझे, आपके फ्रिज में रखा है पनीर और रखा है ब्रेड, तो आप दूध भी तो रखा है, दूध भी रखा है, मान लो रखा है दूध, तो अब आप मुझे बताओगी सबसे पहले आप क्या खोलोगी? गेट खोलेंगे तभी तो आएंगे। गेट खोलेंगे पापा तभी तो अंदर आएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहे हैं हम। दिमाग लगाओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। तब तक हम ले रहे हैं आनंद यहाँ बैठ के, और आप इसका उत्तर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए क्या जवाब इसका हो सकता है। जय हिंद।